हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेकर के। एक्सेल के अंदर आप जो है कभी कभी ऐसी दिक्कत आपको आ सकती है। यहां पर हमें कहा गया है कि हम जो है सभी का रनिंग टोटल कैलकुलेट करें, तो हम में से ज्यादातर लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और टोटल करने के लिए इज इक्वल टू सम का जो फंक्शन है उसको यूज करेंगे और यहाँ से ड्रैग करते हुए यहाँ तक आ जाएंगे, ठीक है। और फिर इसको क्लोज करके देन एंटर प्रेस कर देंगे, लीजिए आ गया रनिंग टोटल। तो ये रनिंग टोटल नहीं होता है, ये है टोटल, ठीक है। ये क्या है, ये टोटल है। हमें रनिंग टोटल कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, तो रनिंग टोटल को कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले सम का फंक्शन लगाना है इस तरीके से, यहां पर रख करके ये देख लीजिए। और फिर इस वाले सेल को सेलेक्ट करना है, क्योंकि टोटल तो यहीं से करना शुरू करना है। तो इस वाले सेल को सेलेक्ट करके जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं, देन आपको क्या करना है, यहाँ पर लगाना है एक कॉलन और फिर पहले वाले ही सेल को यानी इसी को सेलेक्ट करके और पहले वाले सेल, ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, पहला वाला सेल एड्रेस दिख रहा है, इसको फ्रीज करना है। और फ्रीज दो तरीकों से किया जा सकता है। पहला तरीका ये है कि आप यहाँ डॉलर लगा दीजिए, ये डॉलर फोर नंबर अल्फा न्यूमेरिक की जो होती है वहां पर मिल जाएगा, फिर इसके भी पहले डॉलर लगाइए, ठीक है, ये करिए। अदरवाइज एक काम आप कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं कि ये ना करके आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहां पर इसको इस तरीके से सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके F4 यानी फंक्शन बटन F4 प्रेस कर देना है। अब इस ब्रैकेट को करना है क्लोज और प्रेस करना है एंटर, तो यहाँ 3000 आ गया। तो आपने कहा कि आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है, तो देखिए नया ये है कि 3000 में अब जब यहां पर हम आएंगे इसको ड्रैग करते हुए, तो देखिए होगा क्या। यहां पर देखिए, ये हम जैसे ही ड्रैग करते हुए आ रहे हैं तो यहां पर ये जो है आप देखेंगे कि 3000 बन गया क्या 9000, यहाँ पे 6000 है, ये बन गया 9000, यानी ऊपर वाला जो है नीचे वाले में ऐड हो गया, ये 3000 और 6000 ऐड हो गया, तो ये बन गया 9000, ठीक है। फिर 9000 में 4000 ऐड हुआ तो बन गया 13000, ठीक है। फिर 13000 में 4500 जो है उसको सम किया गया तो 17500 बन गया। तो इस तरीके से ये रनिंग टोटल निकलता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि रनिंग टोटल कैसे निकाला जाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।